कटिहार में तेलता ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस पर पथराव की घटना सामने आई है। आरोप है कि लॉकडाउन का पालन कराने गए पुलिस पर लोगों ने पत्थर से हमला बोल दिया, जिसमें तेलता ओपी प्रभारी सहित कुल 3 पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना है। सिर्फ सर पे लगा, चोट इसमें नहीं लगा, बदन में, हाथ में लगा, बदन में भी लगा, सर पे ज्यादा लगा। हेलो। वहीं इस घटना के आरोपी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि और पीछे पीछे से लात मार रहा है। मैं बोलता सर हमारा कसूर तो बताइए क्या कि हम हमारा एक भी बात नहीं सुना। बोलते सर किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं, अगर हम आपसे किसी कहीं भी उलझे हैं या आप लोग से बदतमीजी, हम लोग तो लॉकडाउन का एकदम पालन कर रहे हैं, हमारा सेटल लोग है सर, हम यहाँ तक कि हमारा घर में खर्चा भी नहीं है, हम हमारा दुकान में सामान भी नहीं, हम तो ये इतना बात बोलने के बाद तो एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ इधर हमारे घर के तरफ आया, वो चिल्लाता है तो सारे इधर की जितने भी औरत थी, चाची माँ खाला जितना भी जो इधर का था, सारे पब्लिक सारे थे, सारे दौड़ करके गए। वो छोटा छोटा बच्चा था, उसने एक ईटा मारा और एक पुलिस वाले को लग गया, जो उसके माथे से खून निकल गया, और एक निकलने के बाद वो लोग फिर चला गया। मेरा वार्ड साहब क्या, मेरे वार्ड साहब ने सबको थाम किया, हम लोग को भी बोला तो नहीं कानून पे हाथ नहीं छोड़ते ऐसे वैसे करते, हम लोग बोलते नहीं हम लोग भी तो कानून पे नहीं हाथ छोड़े। दूसरे को जब दिखाने गया मेरा मार देख करके, तब वो छोटा सा बच्चा गिट्टी झिक करके उसको मारा है। अब बताओ इतना छोटा बच्चा पे हम पे रहम आया, मगर उस जालिम लोगों को रहम नहीं में क्या हम लोग बिगाड़ा। एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो कोई हाई फाई नहीं है, घर दार भी देख लीजिए आप, वो देख लीजिए। मेरा वालिद साहब के माइंड को डिस्टर्ब कर गए हैं, किसी कदर हम लोग घर को चलाते हैं किसी कदर घर को चलाते हैं पर हम लोग पर थोड़ा सा हम पे रम नहीं किया किस बात में हमारा, हम ये प्रशासन से पूछना चाहते, लॉकडाउन का पालन नहीं करते, हम दुकान करके बैठते तो कोई बात होता। पुलिस पर हमला और लॉकडाउन के उल्लंघन की धाराओं के तहत पुलिस ने नामजद सहित कई अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराते हुए इस मामले में आरोपी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी युवक की पिटाई के मामले को निराधार बताते हुए कटिहार के SP विकास कुमार ने कहा, माधेपुर एक गांव है तेलता में, जहां के मिर्साद आलम के विरुद्ध लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि वो चाय नाश्ता का दुकान खोलकर करीब करीब 20-25 की संख्या में लोगों को बैठाते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी। इस शिकायत के सत्यापन हेतु आज दिन में थानाध्यक्ष तेलता सशस्त्र बल के साथ वहाँ गए थे, जहाँ पर दिलसाद ने मिर्साद ने उनके अपने अन्य सहयोगियों के साथ उनके ऊपर और पुलिस बल पर आक्रमण कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष को चोट लगी है और कुछ सिपाही भी उसमें जख्मी हुआ है। पुलिस पर वो आरोप लगा रहा था लड़का? नहीं, मिर्साद आलम का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मिर्साद आलम लगत के बारे में शिकायत मिल रही थी, उनको गिरफ्तार भी किया गया है, पुलिस पर हमले के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी चिकित्सीय जांच कराई गई है, चिकित्सक ने उनके शरीर पर किसी भी प्रकार कोई जख्म नहीं पाया। बहरहाल जहां एक तरफ पत्थरबाजी से कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए युवक के पुलिस पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पर एक सच यह भी है कि पत्थरबाजी की इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तेलता से जगन्नाथ की रिपोर्ट। The new chapter of high-tech child education for your child. Meditech Symbiosis Academy, Bheria Raika, Katihar. स्वर्ण पदक प्राप्त प्रसिद्ध विद्वान शिक्षक द्वारा संचालित प्री नर्सरी टू 10th वाधा कैंपस सेपरेटेड हॉस्टल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज ट्रेंड एंड डेडिकेटेड टीम सेफ एंड सिक्योर कैंपस
एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिटेल्स, ब्रांडेड स्कूल मेडिटेक सिम्बायोसिस एकेडमी 6299779474 6200706